हेलो, क्या कर रही हो? क्या कुछ भी नहीं, हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ क्या हुआ एकदम से तुम्हें? भी नहीं हुआ ना। तुम बताओ। रो रही हो तुम? नहीं रो रहे हो यार, बताओ ना क्यों कॉल किया है। ओए पागल, रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? तो तुमने कॉल क्यों किया यार, ये बताओ ना। वो सब छोड़ो यार, रो क्यों रही हो? मुझे भी बात नहीं करनी है, बाद में बात करेंगे। हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ है। घर पे लड़ाई हुई है? नहीं भाई से लड़ाई हुई? नहीं मेरी कोई बात बुरी लगी? बात कब हुई है मेरे? फ्रेंड से लड़ाई हुई? ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम? ना कोई और प्रॉब्लम? नहीं। तो फिर रो क्यों रही हो? अरे यार मेरे बात करने का मन नहीं है, बाद में बात करेंगे। तो हुआ क्या है पहले मुझे बताओगी? कुछ नहीं यार, जो मेरे संग होना होता है हमेशा वो मेरे साथ ही होता है, और किसी के संग ऐसे क्यों नहीं होता? पागल लड़की, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, मैं हूं ना तो तुम्हारे यार साथ। हमेशा मेरे संग ही क्यों होता है ऐसा? रिलैक्स, मैं हूं ना। हुआ क्या है बताओ मुझे, बहुत बुरा हो गया मेरे साथ यार, क्या हुआ है? नहीं बता पाऊंगी मैं, बोलोगे बताने वाली बात नहीं है, मैं नहीं बता पाऊंगी। कोई फीमेल प्रॉब्लम? नहीं तो फिर क्या बताओगे कुछ थोड़ा यार? नहीं बता पाऊंगी यार, मैं कैसे बताऊं ये बात तुम्हें? पागल हो, इतना रो क्यों रही हो? हुआ क्या है यार, ये तो बताओ। मैंने सबसे पूछ दिया कि तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है, तुम्हारे साथ भी होता है, सबने कहा नहीं हमारे साथ ही नहीं होता है, पर मेरे साथ हुआ नहीं क्या है पहले हुआ। बताओगे यार प्लीज? तुम नहीं समझ पाओगे, ये मुझे बताओगे तो मैं समझूंगा यार। समझूंगा क्यों नहीं यार, प्यार करता हूँ कि नहीं समझ पाओगे? बात नहीं समझ पाओगे यार तो तुम, ये मुझे नहीं प्लीज समझ बताओगे पाओ, हुआ क्या? नहीं समझ पाओगे तुम तुम, प्लीज फिर रोना से बंद करो, पहले बताऊं? रोना बंद करो, रोना बंद करो। यार हमेशा मेरे साथ ही ऐसे क्यों होता है? तो पहले चुप हो जाओगी और बताओगी मुझे हुआ क्या है? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, बोलो क्या हुआ है? परसों भी देखा था, परसों तो सब कुछ सही था, आज ही सब कुछ खराब हुआ हो क्या है यार, गया। पैसे वैसे चोरी हो गए क्या? नहीं नहीं मोबाइल खराब हो गया? तो बात तो कर रही हूँ ना तुमसे, तुम तो हुआ क्या है मुझे बताओगे प्लीज? नहीं समझ तो प्लीज पाओगे, तुम बताओगे यार कि आई एम सॉरी चिल्लाने के लिए, प्लीज बताओगे हुआ क्या है? नहीं समझ पाओगे यार क्या हुआ, तुम मेरी परेशानी नहीं समझ बोलोगे पाओगे। बोलोगे कि तुम नहीं समझ पाओगे, तुम नहीं समझ पाओगे कि धुन लगाए रखी है कि तुम नहीं समझ पाओगे, तुम नहीं समझ पाओगे? ऐसी क्या प्रॉब्लम जो मैं नहीं समझ पाऊंगा? तुमसे प्यार करता हूँ, हर एक प्रॉब्लम समझ सकता हूँ। बताओगे तब तो समझूंगा, बताओगे नहीं क्यों? तुम नहीं समझ पाओगे, तुम नहीं समझ पाओगे, हर कोई समझ जाएगा, मैं नहीं समझ पाऊंगा ना, मैं तो बेवकूफ़ हूँ। चिल्ला रहा मुझे बात नहीं कर अच्छा रही, तो नहीं बाद में चिल्ला कॉल रहा, करूंगी नहीं नहीं चिल्ला मुझे रहा, बात नहीं अरे करनी नहीं तुमसे। चिल्ला रहा, मैं प्यार से बात कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं प्यार से बात कर रहा हूँ ना, तो प्यार से बात करते करते अंदर से बहुत प्यार बाहर निकल आया, तुम एक्सप्रेस हो गया वो, सॉरी गलती से। बताओ बताओ हुआ क्या है? हमेशा किसी भी लड़की के साथ ऐसा नहीं होता, मेरे संग ही अब हो रहा, पहले हुआ मेरे क्या साथ भी नहीं है होता था ऐसे, पर अब 2-3 दिन में मेरे संग ऐसे होने लगा है। यार, मुझे टेंशन हो रही है, प्लीज बता दो हुआ क्या है, क्यों बात को घुमा रहे हो? मुझे चिल्लाओगे तो नहीं, नहीं चिल्ला रहा, मुझे बताओगे हुआ क्या है, वरना ऐसा गुस्सा ना भी नहीं हो। करोगे? नहीं कर रहा गुस्सा, पक्का? पक्का? प्रॉमिस? अरे यहाँ प्रॉमिस बोलोगे हुआ क्या है? मैंने 2 दिन पहले ही चेक किया था, और अरे आज क्या हुआ है एक्चुअल में बताओगे? चेक किया था 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, एक्चुअल में हुआ क्या है ये बताओगे बता मुझे? तो रही हो तुम, मैं नहीं बता रही, तुम अभी चिल्ला रहे हो, अच्छा बाद अच्छा में भी चिल्लाओगे तुम, अच्छा अच्छा मैं नहीं बता रही हूँ। ठीक है, नहीं चिल्ला रहा, रोना बंद करो, बोलो हुआ क्या है? मैंने 2 दिन पहले भी देखा था, तब तो सब कुछ सही था, और आज सब कुछ खराब हो क्या खराब गया। हो गया? क्या खराब हो गया, रो क्यों रही हो यार, क्या खराब हो गया, कुछ बोलोगी? सब ठीक तो है, बोलो सुने हो ना, यार, सुन रहा हूँ, कुछ बोलोगी तो सुनूंगा, हवाएं आ रही हैं बस। किसी को बताओगे तो नहीं ना? बोलोगे पहले मुझे तो पता चल जाए, फिर तो किसी और को बताऊं? नहीं बताऊं, नहीं पहले आप प्रॉमिस करो, किसी को बताओ कि तो नहीं नहीं, बताऊंगा नहीं किसी तो को, मेरी प्रॉमिस। बहुत इंसल्ट हो अच्छा जाएगी। किसी को नहीं बताऊंगा, बोलो पक्का? प्रॉमिस यार, प्रॉमिस बोला ना। वो ना 2 दिन पहले मैंने चेक किया था। अरे यार तो मैं सही में कंट्रोल, बताओ क्या हुआ कर रहे क्या हो है, तुम? बताओ। 2 दिन पहले ना मैंने अपना वेट चेक किया था, 45 था, और आज वापस से चेक किया तो 46 हो गया। हाँ एक फिर किलो बढ़ गया वजन मेरा। अच्छा वो ठीक है, लेकिन बात क्यों हो रही है, रो क्यों रही हो यही बात हुई है। हाँ। तुम? इसलिए रो रही हो कि तुम्हारा 1 केजी वेट बढ़ गया?
ऐसा चांटा मारूंगा ना 2 kg कम हो जाएगा तुम्हारा वेट। पागल वागल हो गई हो क्या, दूसरे को पागल करना चाहती हो तुम? अबे इंसान एक तो टेंशन में आया, तुम्हें काम से थक के तुमसे पूछ रहा है क्या हुआ क्या हुआ, और तुम ना रोए जा रही हो। 3-4 मिनट तो मेरी जान निकल दी, मुझे लगा पता नहीं क्या हुआ। एंड में क्या 1 kg वेट बढ़ गया बस। अबे पानी पी लिया होगा इसलिए बढ़ गया होगा, 2-3 बिस्किट खा लिए होंगे इसलिए बढ़ गया होगा कि 1 kg वेट बढ़ गया तो रोना चालू हो गया। वाह भाई वाह, अगर 5 kg बढ़ गया होगा तो तुम तो बेड पर लेट जाते हो, मेरा सब कुछ खत्म हो गया, जिंदगी बर्बाद होगी। क्या पागल वागल समझाएगा, एक इंसान थक के आया उसकी तुम जिंदगी बर्बाद करने के लिए बैठ गई हो? इधर 5-6 kg यूं ही बढ़ जाता है, समझ में नहीं आता कब बढ़ा कब घटा, कुछ समझ ही नहीं चलती। काम करते करते बढ़ जाता है, काम करते करते घटे जाता है, समझ में नहीं आती। आज तक कभी वेट मेजरमेंट नहीं किया और तुम 1 kg बढ़ गया तो रोना धोना रो दियो। अब चुप हो जाओ, मैं चुप कराने वाला नहीं, बता रहा हूँ मैं। मैंने कही थी मैं चुप, पहले रोना बंद, आवाज एकदम आवाज सही से नहीं, आवाज एकदम ठीक निकलनी चाहिए जैसे क्लियरिटी वाली निकलती है। आवाज अगर ठीक से नहीं निकली ना, 1 kg वेट बढ़ा जबरदस्ती खिला खिला के 5 kg वेट बढ़ा दूंगा, बता रहा हूँ। फिर रोती रहना, चुप भी नहीं कराऊंगा। आवाज एकदम ठीक नॉर्मल आवाज रोने वाली आवाज नहीं चाहिए मुझे, नॉर्मल आवाज नहीं, रोने वाली गुस्सा कर ही नहीं रहा, मैं गुस्सा कर ही नहीं रहा। ऐसी बात आपको कोई बात बताऊंगी नहीं, कभी आपने मन की बात शेयर नहीं करूंगी तुमसे। अगर तुम्हारे मन की बातें ऐसी होती हैं तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि तुम शेयर मत किया करो, ये मन की बातें मन में ही रखा करो। और जब मन की बातें मन में ऐसी आ जाए ना तो मेरा फोन भी रिसीव मत किया करो, बोल दिया करो मैं बिजी हूँ, खाना बना रही हूँ, काम कर रही हूँ, लेकिन मेरे साथ मन की बातें ऐसी शेयर मत किया करो। तो यार मैं सब बातें तुम तो यार क्या करेगा इसमें, तुम्हारा 1 kg बढ़ गया तो तुम मेरे को यार मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुमने रो रो के मुझे अंदर ही अंदर पता नहीं क्या घबराहट हो रही थी, पता नहीं क्या हुआ होगा यार, सब ठीक होगा सब ठीक नहीं होगा, और निकला क्या 1 kg वजन। अरे तो यार मैं सब बातें तुम्हें नहीं बताऊंगी तो किससे बताऊंगी, यही सारी बातें बताने के मिलता है। और ठीक है बता सकती है, ये सारी बातें नॉर्मल बताते हैं। कॉल करके पूछ लिया कि तेरा वेट कितना, कितने बार चेक किया था, सबने बोला कि 40 है 39 है, सबने यही बोला, और मेरा सबसे ज्यादा 46 39। अब तुम्हारी फ्रेंड है या क्या है, पिलो विलो है क्या, 39? तो यार तुम, मुझे भी इतना ही चाहिए था, 40 पता नहीं 45 तक भी ठीक था, 46 हो गया, मैं नहीं चाहती 46 मेरा वेट हो। हो गया, अब तो मैं 1 रोटी कम खाऊंगी। एक काम करो ना, 1 रोटी कम क्यों खाओगी, वैसे तुम कितनी रोटी खाती हो, दिन में 2 रोटी खाती हो, 1 रोटी कम खाओगी, 1 रोटी बची, 1 रोटी बेबी क्यों खा रही हो, क्यों एहसान कर रही हो रोटी के ऊपर यार, खा के वो रोटी भी छोड़ दो, कुछ खाओ ही मत। देखो तुम्हारा 2 महीने तक तुम 2 महीने पानी चावल बावल सब छोड़ दो, 2 महीने बाद देखना एकदम तुम हल्की वल्की 20 kg की हो जाओगी एकदम। वो अलग बात है तुम बैठ से उठ नहीं पाओगी, उठाने के लिए तुम्हें 2-3 लोग चाहिए होंगे। हाँ यार ऐसा करूंगी, सुबह से लेकर शाम तक 1 बोतल पानी पीऊंगी, फिर शाम से लेकर रात तक पी रहे हो यार? 1 बोतल पानी पीऊंगी, सब वजन नहीं बढ़ेगा, थोड़ा सा चावल खाऊंगी रात में और 1 रोटी सुबह खाऊंगी। ये तो बहुत सारा हो जाएगा। नहीं नहीं इतना खाना खाओगी तो वेट कम नहीं होगा यार। नहीं मेरे को वेट कम करना है, खाना छोड़ना पड़ेगा। तुम यार डाइट बता दो मुझे, मैं डाइट क्या करूं, मैं बता तो रहा हूं, डाइट चाय भी नहीं पीती हूं, मैं कॉफी भी नहीं पीती हूं, फिर भी मेरा वेट 46 कैसे हो गया यार। 20-25 दिन तक कुछ भी मत खाओ, अपने आप वेट गिर जाएगा। ऐसे भी नहीं, वेट के साथ साथ तुम भी गिर जाओगी जमीन पे। तुम यार मेरे मजाक क्यों उड़ा रहे हो, मुझे बात ही नहीं करनी, फोन रखो तुम। या ऑफ कोर्स आप रख सकते हो फोन, ठीक है बाय। ऐसी फालतू की बातें मैं भी सुनना नहीं पसंद करता हूँ, मतलब इंसान काम से थक के आ रहा है और तुम अपनी पंचायत KG बैठ गए। तुमने मुझे कॉल क्यों किया, मैंने तुमसे बोला था ना कि फोन रख दो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, पर फिर भी तुम पीछे पड़ गए कि बताओ। कॉल नहीं करता, एक कॉल नहीं करता तो भी तुम्हारा ये होता कि मैं दुखी थी तुमने मुझे कॉल नहीं किया, बताओ तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करते, मेरी केयर ही नहीं करते, मुझसे कुछ करते ही नहीं हो। और अगर कॉल कट कर देता तो भी मैं रो रही थी फिर भी तुमने कॉल कट कर दिया, देखते हुए तुम तो मेरी परवाह ही नहीं करते यार, दूसरों को बॉयफ्रेंड देखो कितने अच्छे हैं, उनकी केयर करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, मैं दोनों तरफ से फंसता। तुम मेरी बातें मन में रखते हो, तुम ध्यान में रखते हो कि अब ये बात बोलेगी तो तुम वो काम नहीं करते हो। लो अभी भी रोना। अच्छा सुनो, तुम्हें वेट कम करना है ना? हाँ। सुबह मेरे साथ रनिंग पे चला करो, वेट कम हो जाए, अब दुखी मत हो, चलो यार। कितने बजे जाते हो? 5 बजे। मैं 4 बजे उठती हूँ, 4 बजे उठ के चलना ना प्लीज। शाम के कि सुबह के? सुबह के। अच्छा नहीं मुझे लगा शाम के 4 बजे उठोगी तुम। नहीं सुबह के भी। हाँ तो 4 बजे उठोगे, फ्रेश व्रेश हो गए, 5 तो बजे जाएंगे। नहीं मैं 3:30 बजे उठ जाती हूँ। हाँ तो 3:30 बजे उठोगे, फ्रेश व्रेश होगे, 4 बज जाते हैं 4 बस। बेबी सोते ही क्यों, 3 बजे उठ जाया करो, 12 बजे तो तुम बाय बोलती हो, 3 बजे उठ जाती हो, तुम किसको पागल बना रही हो? बेबी यार मुझे वेट वजन कम करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। हाँ तो कल से मेरे साथ रनिंग पे चलना ना 4 बजे। ठीक है पापा 4 बजे उठ जाओगे ना?
हाँ उठ नहीं उठे तो सोच रहा था, नहीं उठे तो मैं समझ। अरे यार मैं ऑफिस वाला बंदा हूँ, हो सकता है नहीं उठूँ, ऑफिस से थका हुआ आता हूँ, जरूरी नहीं है उठूँ। ये क्या धमकी क्या दे रही हो यार तुम? वेट तुम्हारा भरा है, धमकी मुझे दे रही हो? धमकी देती रहती हो तभी तो वेट भरता है, कभी धमकी लिया करो तब वेट घटेगा। अगर तुम नहीं उठे तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम्हें कोई मेरी फिक्र नहीं है, तुम मुझसे कोई प्यार नहीं करते, तुम्हें मेरे वजन से, मेरी शक्ल से, तुम्हें किसी चीज से भी कुछ भी लेना देना नहीं है। हाँ ये बात देखो, टाइम पास कर रहे हो, प्यार ही नहीं करते हो तुम मुझसे। नहीं ये बात तो फैक्ट है, अगर मैं तुम्हारे वेट को लेके बोलूं तो तुम्हारा ही हो जाएगा, मतलब तुम मेरे शरीर से प्यार कर दो, मुझसे प्यार नहीं करते। अगर मैं ना बोलूं तुम्हें तो मेरे शरीर की पड़ी नहीं है, मैं जैसे ही दूंगा तुम्हें तो फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब दोनों तरफ से क्यों फंसाती हो तुम मुझे? फोन रखो, मुझे डाइट देखने जानी है। डाइट में बता रहा हूँ ना, नहीं मुझे नहीं, मैं डाइट में बता रहा हूँ, मैं देख लूं, डाइट में बता रहा हूँ। बॉयफ्रेंड का खून पीना कम कर दो, पतली हो जाओ। कहने का मतलब क्या, मैं तुम्हारा खून पीती हूँ? ऑफ कोर्स। फोन रखो, मुझे बात ही नहीं करनी है। तुम हमेशा हमेशा ऐसे ही करते हो, तुम बहुत गंदे हो। राहुल कितना अच्छा तुम ही अच्छे हो। फोन रखो, मुझे बात नहीं करनी है। अरे राहुल अच्छा अच्छा करना बंद करो, जितना राहुल अच्छा करोगे उतना ही वेट बढ़ेगा। भगवान करे तुम्हें ऐसा शराब दे रहा हूँ, जितनी राहुल की तारीफ करोगे उतना वेट बढ़ेगा। शराब मत देना यार, तुम मुझे शराब क्यों देते हो? तुम्हें पता है ना मुझे हर किसी का शराब फल जाता है। ये भी फलेगा? नहीं भी भी। अच्छा आप सुनो यार, फालतू की बकवास मत करो, चलो मैं खाना वाना खा ले रहा हूँ। सुनो फालतू टेंशन मत लिया करो यार, पानी वानी पी लिया हो इसलिए ज्यादा दिख रहा होगा, ठीक है? और इतना मत देखा करो, वेट 1 kg बढ़ गया, 2 kg बढ़ गया, चलता है इतना? ठीक है अब, ठीक है ना? मुंह ठीक कर लो। ठीक है, मुंह ठीक कर लोगे? ठीक है। गुस्से में क्यों बोल रहे हो? ठीक है ना? तो चलो हंस तो दो। अबे हंस तो दिया यार, और कैसे हंसूं? हाँ ये थी ना स्माइल। चलो बाय, टेक केयर। बाय, टेक केयर। और फालतू टेंशन मत लेना वेट वेट को लेके, ठीक है? और अब से दोबारा वेट को लेके रोई ना, मैं चांटा लगा दूंगा कल पे। चलो बाय, टेक केयर। बाय, टेक केयर। बाय बाय।